राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भाई अच्छे होंगे। सुबह के बज रहा 1, दोपहर के ये देखो तारीख है 9 तारीख, दिसंबर का महीना है भाई। 1 बज रहा है, मीटर रीडिंग कर लिए हैं 0, ईंधन कुछ इतना है अपनी गाड़ी में। तो अभी हमारे पास राइड आ चुकी है जो कि लोकल की राइड है। वैसे काफी देर से इंतजार कर रहे थे आउट बुकिंग का, लेकिन आउट की तो भाई आई नहीं, तो हमने चलो लोकल की ही लेके चलते हैं। तो बुकिंग उठा ली है, अब इनको जाना है गोविंद नगर। गोविंद नगर जाने के बाद भाई फिर देखेंगे, गाड़ी सर्विस भी, गाड़ी गंदी गंदी है तो हो सकता है सर्विस सर्विस भी करवा ले, वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। हम अकील भाई साहब के पास जहाँ सर्विस कराते हैं हर्ष नगर में, जनता गैरेज है उनका, उनसे बात किया यार कि हमारा मॉड्यूल आ गया है। तो भाई साहब बोल रहे ठीक है बताते हैं, यार बहुत टरका रहे हैं, ये देखो रेड लाइट जलती है भाई, बहुत खराब लगता है। और ये येलो लाइट, पीली लाइट जल रही है पेट्रोल की, ये कल तक मेन में था, अभी गाड़ी स्टार्ट की भाई तो रिजर्व में लग गया है, तो पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है यार, ये जो एयर बैग की जो लाइट जलती है ना डिस्प्ले पे, वो बहुत यार खराब लगती है। डिस्प्ले पे कोई भी लाइट जलती है तो भाई हमें बहुत खराब लगती है। इन कस्टमर से बात हो गई है, तो अब इनको जाके जो है सीधा पिकअप करते, जाके देखते हैं लोग कहाँ क्या जाएंगे, कैसे क्या है, जैसा भी होता है बताते हैं फिर। तो ये रहा कुछ बोर्ड अपना, चलते हैं सीधा कस्टमर के पास। लोकेशन तो इधर ही दिखा रहा था। लोकेशन समझना भी यार वे कला है। चलो हम तो खैर यहीं के लोकल के हैं, अब गूगल मैप देखो कितना देर दौड़ा रहा है, देखो किधर आगे ले जाएगा पीछे ले जाएगा, 1 किलोमीटर दिखा रहा है जबकि है मात्र 200 मीटर की दूरी है, दूरी पे ये देखो सामने सामने। तो गूगल मैप को भी समझना यार बहुत बड़ी बात है, जिसने गूगल मैप समझ लिया तो भाई आसान है, आप गूगल मैप के हिसाब से लोकेट करते हुए कहीं भी जा सकते हो। और गूगल मैप में बहुत सी बारीकियां होती हैं जो सभी भाइयों को समझनी पड़ेगी। और हम लोग तो खैर चला इतना अनुभव हो गया है, चला चला के खैर काफी चीजें सीख गए हैं। अब ये देखो अभी 350 मीटर पे आ गया, अभी 1.5 किलोमीटर दिखा रहा था, अब 350 मीटर बचा, क्योंकि हमें मालूम है कि इधर से रास्ता है लेकिन बहुत घुमा के दिखा रहा था। तो कल का तो दिन भाई अपना बहुत अच्छा रहा था, अब आज का देखते हैं कैसा जाता है हमारा दिन। चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं, और जो भी बिल वगैरह हो गया, सर्विस वगैरह कराएंगे या सर्विस वगैरह में कराने पे क्या क्या कराएंगे सारी डिटेल बताएंगे। तो फिलहाल कस्टमर को करते हैं फोन भाई। तो भाई साहब आ चुके हैं गोविंद नगर में, 1 राइड हमने कर ली है और जा रहे हैं भाई एक जगह, वो भी आपको बताते हैं। पहले हम राइड दिखा दें, ये देखो 261 रुपए की, अपने आज सिंहपुर से एक गेस्ट हाउस से लेके आए थे और यहाँ गोविंद नगर में इनको छोड़ा है। गाड़ी चली है 21 किलोमीटर हमारे घर से, तो 261 रुपए दिए हैं, ठीक है 1 किलोमीटर से गिरी चल गया होगा। और भाई अब जा रहे हैं गैराज पे मिस्त्री साहब के पास, उनके पास भी मॉड्यूल रखा हुआ है एयरबैग का, अब मॉडल नंबर मिलाएंगे, अगर जो मैच हो गया तो जाके लगवा लेंगे, नहीं मैच हुआ तो फिर भाई कोई बात ही नहीं। देखो ऊबर में देखो राइड आ रही होगी, सर्च लगा हुआ 1.2 का, ये देखो ये सिस्टम है भाई 1.2 तो एकदम ना के बराबर होता है भाई। ये गोविंद नगर की पार्क है, कोई सी नाम तो खैर हमें नहीं पता है लेकिन काफी अच्छी है, हरी भरी है, सुंदर सी एकदम बना रखी है, तो सही है भाई। चलते हैं भाई, गाड़ी वाड़ी का थोड़ा बहुत काम कराते हैं, गाड़ी धुलवानी भी है, सर्विसिंग भी करवानी है, मॉड्यूल भी चेंज कराना है, काफी सारे काम है। अब देखते हैं आज क्या क्या हो पाएगा, 2 तो बज ही रहे हैं भाई, अब जितना समेट पाएंगे समेट पाएंगे, नहीं समेट पाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। देखो 10 मिनट की दूरी से आ रही है, ये देखो ये लंबी दूरी आई है आजाद आदर्श नगर की, ये देखो ये बढ़िया बुकिंग है, लेकिन इसको ले नहीं जाएंगे यार, क्योंकि उनसे वादा कर लिया मिस्त्री साहब से, अब ड्यूटी कर लेते हैं बंद, उसी में भलाई है भाई, लेकिन ऊबर में खोल रखेंगे शायद बाहर की आ जाए, ओला की बंद किए रहते हैं भाई।
ऊपर में ऑन रहेगी हमारी डिवाइस ऐसे, अगर कोई आउट स्टेशन आएगी बढ़िया राइड जिस तरह कल आई थी बढ़िया पैसे वाली, तो जाएंगे कमाएंगे जाके पैसा, मिस्त्री साहब से दे देंगे गैरेज मिस्त्री साहब कल मिलेंगे आके, आवाज नहीं आएंगे इनके। अगर मॉड्यूल मिल गया तो भाई सर्विस इन्हीं क्या करवा लेंगे, और मॉड्यूल ना मिला तो फिर सर्विस इनके यहाँ नहीं कराएंगे, फिर और कहीं कराएंगे। लोकल की राइड यार ऊबर इतनी दे रहा है भाई यार क्या बताएं। चलो इसको इग्नोर करते हैं, इसको बजने देते हैं, हम बनाते हैं वीडियो और सीधा चलते हैं पहले गैरेज में। ये आ गए अपना पराग डेयरी पे भाई, वाह भाई वाह बहुत अच्छे, देखो कर नहीं रहे तो इतना काम दे रहा है भाई, मतलब का देव ना यार, हम लोग इंटरसिटी के दीवाने हैं, बाहर की गाड़ी चलाने वाले हम लोग, दूर दूर राइड जाने वाले, और लोकल की राइड दे रहे हो। बंद कर दो, ठीक है बंद कर दो, बंद कर दो, हम तुम्हें चालू ना करिए, जरूरत भी नहीं है, पहले गाड़ी काम कराएंगे जाके उसके बाद में देखेंगे। ये भाई ग्राउंड है, मेला वगैरह इस समय लगा हुआ है, जब कोई बड़ा नेता वगैरह आता है तो इसी ग्राउंड में आता है भाई, ठीक है। चलते हैं सीधा गैरेज, सामने है एक डेढ़ किलोमीटर के बाईपास के पास में, बर्रा बाईपास के पास में। तो भैया हम रेंटर की बुकिंग लिखे आए 2 घंटे की, उसमें दिखा रहा था 800 रुपये, हमें लगा अच्छा है यार 2 घंटे में 800 मिल जाएगा बहुत अच्छी बात है। अभी हाँ मैं रमईपुर के आगे घर जो है पूरा जो है एक गेस्ट हाउस पीछे पड़ता है वहाँ पे शादी है भाई, और हमने 2 घंटे की रेंटल बुक की है, अब देखते हैं कितने पे जाएंगे, कि हमारी जो है CNG वगैरह एकदम ख़त्म हो चुकी है, आप देख सकते हो CNG जो है एकदम ख़त्म है, और गाड़ी चल चुकी सुबह 43 किलोमीटर इतना चल चुकी है, और अभी हमने कस्टमर को ड्रॉप किया है, इसके बाद इनको यहाँ से पिकअप करके इनको ग्वालटोली छोड़ना है, इसीलिए हमने पिकअप किया था। ड्रॉप कहाँ पे है तो ग्वालटोली छोड़ने के बाद सीधा घर निकल जाएंगे। तो भाई अगर जो 2 घंटे में 700-800 रुपये मिल जाते तो बहुत अच्छा रहेगा, अब कितना बिल आएगा कितना नहीं आएगा वो तो हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन कल का दिन तो हमारा बहुत अच्छा रहा था भाई। आज जो हम जिस काम से गए थे अपनी गाड़ी में मॉड्यूल लगाने के लिए, देखो अभी भी लाइट हमारी जल रही है, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं की, ये जो ऊपर लाइट है ना ये जो है मॉड्यूल की लाइट जलती है, ये समझ लो ये गाड़ी स्टार्ट कर दें तब भी जलती रहेगी, और इसके जलते हुए ये हमारा एयर बैग भी नहीं काम करेगा, जो एयर बैग ये लगा हुआ है ये भी काम नहीं करेगा, SRS एयर बैग ये भी वर्किंग नहीं करेगा अगर हम इसको ओके नहीं कराते हैं तो, इस वजह से हम इतना परेशान है यार, क्योंकि यार अगर ये काम नहीं करे फायदा क्या है, मान लो कोई हादसा हो जाए, कोई गाड़ी लड़ भिड़ जाए या कुछ भी हो, जब ये काम ही नहीं करेगा तो हमें फायदा क्या है। 2-3 लोगों से बात की, हर जगह जो देख लिया परख लिया, लेकिन कहीं भी जो है कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि इसका काम हो जाए, कोई बताता 4,000 कोई बताता 5,000, जबकि इसका रेट जो है 4,000 लेके 4,200 तक है ओरिजिनल MGP का कंपनी का मारुति का, ये इसका रेट है। यहाँ पे मॉड्यूल लगता है, देखो ये हैंड ब्रेक है ना, इसी के नीचे खोला जाएगा, यहीं पे लगता है मॉड्यूल एयर बैग का मॉड्यूल, लेकिन इस समय हमारे यहाँ नहीं लग रहा है, हमको नहीं मिल पा रहा है, हो सकता आने वाले समय मिल जाए। तो फिलहाल जो हमने कस्टमर को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, अब यहाँ से पिकअप करके चलना है जो अपना सीधा जो है ग्वालटोली में छोड़ेंगे, इनसे पेमेंट लेंगे, ऑनलाइन होगा तो कोई बात ही नहीं, ऑफलाइन होगा तो इनसे नगद लेंगे, छोड़ने में सीधे घर निकल जाएंगे, क्योंकि अब समय बज रहा भाई रात के 10 बजने वाले हैं, और हम भी भाई अपना कपड़े वगैरह पहनते हैं, वो जैकेट हमारे पीछे रखी हुई है, पहनने के बाद सीधा जाएंगे जो है, हम भी कुछ खाएंगे पियेंगे जाके जो है, उसके बाद जो है जब कस्टमर हमारे आ जाएंगे तो इनको लेके सीधा निकल जाएंगे, जो भी पेमेंट होगा जो भी पूरी डिटेल बाद में मिलेगी, आज हमने कितने इनकम की नहीं की, वैसे निकले हम 1 बजे थे तो उसके बाद चले गए, गाड़ी के जो है काम था लेकिन वो हो नहीं पाया यार,
तो कोई बात नहीं, अब यहाँ चलते सीधा खाना पीना खाते चल गए, उसके बाद में जब कस्टमर बैठ जाएंगे वहाँ पे हम ले लेंगे, उसके बाद पूरी डिटेल बताएंगे कितने हमने काम किया कितने नहीं किया है, सीनरी वगैरह क्या लगी है क्या नहीं लगी है, पूरी डिटेल मिलेगी आपको बाद में। तो ठीक है, बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। जो हमारे चैनल पर भाई नए हों, हमारे जो है व्यूअर भाई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा उनको वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ओके भाई, अब जाते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। आज का अपना दिन हो गया पूरा, जो तीन राइड की है 1228 रुपए की है भाई, ये देख लो 1228 रुपए में भाई गाड़ी अपनी चली 72 किलोमीटर और चल रही समय पेट्रोल पे भाई, सीएनजी हो गई खत्म, अब चल रही है पेट्रोल पे। इस समय हम खड़े हैं जो है केडीए ग्रीन पे, जो अपने चिड़ियाघर पड़ता है भाई, ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट है भाई केडीए वालों का, ए से लगा जेड तक ब्लॉक बना रखे हैं इन लोगों ने, और इतने बड़े बड़े ब्लॉक हैं यार, हमें लग रहा है कम से कम 10,000 तो फ्लैट होंगे ही इसमें जो है, ए से लगा जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक जो है इन्होंने जो है ब्लॉक बना रखे हैं, और पूरा हालांकि अभी खाली है ज़्यादातर जो है, क्योंकि फिर भी जो है अब समय देख लो भाई, वो बात छोड़ो, 12 बज चुके हैं, कुल मिला के अब 73 किलोमीटर का हम मान लो 200-300 रुपये सीएनजी निकाल देते हैं, तो आज अपनी बचत जो हम जोड़ेंगे वो 1,000 जोड़ेंगे, क्योंकि आज सारा दिन कमाई हुई नहीं, घर से निकले ही 1 बजे थे, जब 1 बजे भाई निकलेंगे वो काम कितना ही कर पाएंगे, काम ऐसे कर भी लेते खींच भी लेते, लेकिन कारण क्या था कि हम अपना गाड़ी का जो है वो काम करवा रहे थे लेकिन काम हुआ नहीं, उन्होंने काफ़ी देर तक चेक किया, उसके बाद बताया भैया इसका पार्ट नंबर अलग है, हमारे पास जो है वो हो नहीं पाएगा, तो हमने कहा चलो भाई कोई बात ही नहीं भाई, जब पार्ट नंबर ही अलग है भाई हमारी गाड़ी में पढ़ नहीं पाएगा तो कोई बात ही नहीं, लेकिन उन्होंने 8 बजा दिए भाई रात के, तो हमने चलो कोई बात नहीं कोशिश तो की भाई, वो गाड़ी की सर्विस भी नहीं हो पाई, गाड़ी धुल भी नहीं पाई, मतलब कोई काम नहीं हुआ है एक्स वाई जेड कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन शाम को अच्छी बात ये रही भाई कि शाम को 8 से लगा के 12 बजे तक मतलब 4 घंटों में हमने 1200-1300 काम किया, 300 रुपये सीएनजी निकाल दो 1,000 की बचत, कुल मिला के हम इससे संतुष्ट हैं, वैसे भी लोकल में 1,000 का ही हम बचत घर में ले जाते हैं और बाहर चलाते हैं 2,000 रुपये बचत हो जाती है, और कभी कभी जब ज़्यादा दूर जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बचत हो जाती है, तो चलो कोई बात नहीं ये सब चलते रहते हैं, ये मान के चलो महीने में 30-35 हज़ार रुपये अपनी बचत होती है, तो उतना ही होना भी चाहिए, ठीक है अपना खर्चे वगैरह निकाल के। तो ठीक है भाइयों, अब देखो द जैन का ये बोर्ड लगा हुआ है, अब यहीं से मुड़ेंगे, ये सामने चिड़ियाघर चौराहा है और हम यहाँ मैनावती मार के लिए मुड़ेंगे, ये अपना जागेश्वर मंडी पड़ता सब्जी मंडी, हालांकि अभी तो खैर लगी नहीं है, लेकिन सुबह 3 बजे से लगा के 4 बजे तक यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और 6-7 बजे तक ख़त्म हो जाती है, और फ्रेश एंड ताज़ा एकदम जो है सब्जी यहाँ गाँव वाले लाते हैं और बेचते हैं। तो ठीक है भाइयों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, नए वीडियो के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें भाइयों, ओके बाय।